लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गंगाधर, ओ गंगाधर, गंगाधर, मुझे गलत मत समझो गंगाधर, अगर मेरी बातों से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है तो मुझे माफ कर दो गंगाधर, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। बाप रे, ये तो बहुत नाराज हो गया मुझसे। अगर इसने कहानी नहीं बनाई तो मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो गंगाधर? अरे एक बूंद अमृत जी, हमारा गुस्सा तो बम बम भोले शंकर भंडारी की तरह है। एक क्षण आता है और दूसरे एक क्षण उड़ जाता है। परंतु सुधांशु जी, आपको भी कुछ कहने से पहले एक पल सोच तो लेना चाहिए था। अरे आप तो क्या, मैं तो समझता हूं कि प्रत्येक मनुष्य को कुछ भी कहने से पहले हमेशा तनिक सोच लेना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, ये कहना चाहिए वहां पर कि नहीं कहना चाहिए। और अगर अगर वो किसी और की तरफ से बात कह रहा है तब तो उसे और भी ज्यादा सोच लेना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हो गंगाधर, मुझे भी शक्तिमान की कहानी को लेकर बागची महोदय को तुम्हारी तरफ से हाँ नहीं कहना चाहिए था। सॉरी गंगाधर। अब भूल जाओ सुधांशु भैया, भूल जाओ, आओ बैठो यहां। अब ये बताओ कि शक्तिमान भैया की कहानी का क्या किया जाए? देखो गंगाधर, ये ठीक है कि तुम्हें शक्तिमान की सारी सच्चाई का पता नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि तुम्हें शक्तिमान के सच का बिल्कुल ही पता नहीं है। परंतु हमें जो पता है वो आधा अधूरा सच है, और अधूरे सच से पूरी कहानी कैसे बन सकती है सुधांशु भैया? पूरी नहीं लेकिन अधूरी तो है ना, कहानी तो कोई बनेगी ना। और वैसे भी मिसेस शर्मा ने कहां कहा है कि उन्हें पूरी कहानी चाहिए, उन्हें तो सिर्फ शक्तिमान कॉमिक्स के पहले अंक की कहानी चाहिए। अब मेरा ख्याल यह है कि वो पूरी कहानी तुम्हारे पास है। पूरी कहानी? हाँ, कॉमिक्स के पहले अंक में तुम उसी कहानी को डालो जब शक्तिमान को गीता विश्वास ने पहली बार देखा था, और जब दुनिया वालों को पहली बार शक्तिमान जैसे किसी शख्स के बारे में पता चला था। और ये कहानी तो तुम्हें पता ही होगी क्योंकि इसी के बाद तुम गीता विश्वास से जुड़े थे। परंतु ऐसा करने से कॉमिक्स के पाठकों को शक्तिमान भैया का पूर्ण परिचय मिल सकेगा? बेशक ना मिले, मगर यह मत भूलो कि दुनिया वालों को भी शक्तिमान का पूरा परिचय अब तक नहीं मिल पाया है। उसे जब से गीता विश्वास ने पहली बार देखा था तब से लेके आज तक किसी को भी उसका पूरा परिचय नहीं मिला है। हाँ, मुझे स्वयं भी कहां ज्ञात है मेरा पूर्ण परिचय। जब किसी को पता नहीं है तो हमें अपनी कॉमिक्स में उसका पूरा परिचय डालने की क्या जरूरत है? हम अपनी कॉमिक्स में उसे एक कौतूहल पैदा करने वाले पात्र के रूप में पेश करेंगे जिसके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है। मगर वो शख्स हमेशा तब तब वहां हाजिर होता है जब जब कोई जीवन का ही संकट में होता है। परंतु ये बात तो सबको पता है सुधांशु भैया, और हम यही बात अगर हम कॉमिक्स में दिखाएंगे तो शक्तिमान भैया की कॉमिक्स का औचित्य क्या रह जाएगा? ठीक है, फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो, मैं चलता हूं फिर। मगर जाते जाते मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं गंगाधर। हाँ हाँ कहिए ना। चाहे जैसे भी करो लेकिन ये कॉमिक्स का काम जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा गुजारा तो चल जाता होगा मगर मेरी हालत सचमुच बहुत खराब है। मुझे अब लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया है। अगर यह काम जल्दी शुरू नहीं हुआ तो मैं दो वक्त की रोटी भी नहीं दे पाऊंगा अपने बीवी बच्चों को। Thank you.
चाहे जैसे भी करो, लेकिन ये कॉमिक्स का काम जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा गुजारा तो चल जाता होगा, मगर मेरी हालत सचमुच बहुत खराब है। मुझे अब लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया है। अगर ये काम जल्दी शुरू नहीं हुआ तो मैं दो वक्त की रोटी भी नहीं दे पाऊंगा अपने बीवी बच्चों को। यह भी एक धर्म संकट बन गया है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। क्या सोच रहे हो दोस्त? बताओगे नहीं क्या सोच रहे हो? यही कि क्या करूं क्या ना करूं। तो इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है दोस्त? जो करना चाहिए वो करो, और जो नहीं करना चाहिए उसे मत करो। मेरी उलझन और मत बढ़ाओ, उल्टा मेरी समस्या सुलझाने में मेरी मदद करो। मुझे ये बताओ कि मुझे तुम्हारी कहानी लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। मेरी कहानी? क्या ये सिर्फ मेरी कहानी होगी, तुम्हारी कहानी नहीं? बेशक दुनिया वालों की नजरों में हमारे अलग अलग दो रूप हैं, मगर हम वास्तव में हैं तो एक ही व्यक्ति के दो रूप हैं हम। किसी भी रूप में हम रहें, हमारी आत्मा तो हमेशा एक ही रहती है ना। और यही मेरी दुविधा है। हम दोनों एक हैं, मगर दुनिया वाले हमें अलग अलग समझते हैं। और आज वही लोग मेरे इस रूप से मेरे उस रूप की कहानी सुनना चाहते हैं, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अपने उस रूप की कहानी को मैं लिखूं या ना लिखूं, लेकिन गंगाधर का जिक्र किए बिना शक्तिमान की कहानी लिख सकोगे तुम? जवाब दो दोस्त, शक्तिमान की कहानी लिखते समय यह कैसे दिखलाओगे कि मैं और तुम, यानी शक्तिमान और गंगाधर, एक नहीं दो अलग अलग व्यक्ति हैं? नहीं, हम दोनों एक हैं, यह बात सार्वजनिक रूप से हम कभी नहीं बतला सकते। तो फिर शक्तिमान की कहानी कैसे बनाओगे? क्या शक्तिमान की कहानी में यह दिखाओगे कि हम दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं? नहीं, ये तो झूठ होगा। और हम झूठी कहानी कैसे लिख सकते हैं? तो फिर कैसे लिखोगे तुम शक्तिमान की कहानी? यही तो मेरी उलझन है कि कैसे लिखूं। और वो लोग चाहते हैं कि मैं शक्तिमान की कहानी लिखूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मना कर दो उन्हें क्या? हाँ दोस्त, यही समाधान है इस समस्या का। लेकिन वो, और वैसे भी तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे तो अपने कारनामों के बारे में भी बयान करोगे, अपनी तारीफें लिखोगे, और अपनी तारीफ करना अपने मुंह मियां मिट्टू बनना होता है दोस्त, जो एक योगी को शोभा नहीं देता। लेकिन वो लोग मुझ पर विश्वास किए बैठे हैं कि मैं उन्हें शक्तिमान की कहानी लिख कर दूंगा। मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुका दोस्त, अब मैं चलता हूं। अब मेरी बात तो सुनो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सुबह हो गई। आज का सबसे महत्वपूर्ण समाचार है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया जाने वाला किरण प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण। ये प्रक्षेपास्त्र पूरी तरह से भारत में ही निर्मित है, और इस प्रक्षेपास्त्र के परीक्षण में सफल होते ही भारत विश्व की अग्रणी शक्तियों में से एक हो जाएगा। अब से थोड़े समय बाद ही किरण प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया जाने वाला है। इसका निर्माण करने वाले वैज्ञानिकों का दल बेसब्री से किरण प्रक्षेपास्त्र के प्रक्षेपित होने का इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ क्षण बाद ही उल्टी गिनती शुरू होने वाली है।
ये क्या हो गया? मिसाइल ने दिशा बदल ली, अगर ये शहर पर गिरी तो अनर्थ हो जाएगा। मिसाइल पृथ्वी से दूर हो गया सर। लाखों लोगों की जान बच गई है सर। देखिए देखिए सर।